Assalamu alaikum students, how are you? I am your SST teacher and the students of grade 5 will join me. Students, you know, we are on the second lesson, the media. हमने पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग की. टुडे वी विल डू द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 11. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन पेज नंबर 11. हेयर इज़ द टॉपिक रेडियो. एंड यहाँ पर हम रेडियो के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रीड आउट करेंगे. सबसे पहले हम रेडियो के फ़ायदे के, रेडियो के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, रेडियो एडवांटेजेस. रेडियो इज़ एन ऑडियो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. रेडियो जो है एक ऐसा सोर्स है जिससे सिर्फ हम आवाज़ सुन सकते हैं. ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं. ठीक है, हमें पिक्चर नज़र नहीं आ सकती. और ये एक वायरलेस डिवाइस है, इसमें आप वायर के बगैर भी यूज होते हैं रेडियो, और समटाइम्स वायर के साथ भी होते हैं. ठीक है, और हम ये वायरलेस कम्युनिकेशन सोर्स है. इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग रेडियो. रेडियो को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रांसमिट कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड ट्रांसमिटिंग इम्पोर्टेंट न्यूज़. रेडियो में हमें तालीमी प्रोग्राम भी नशर किए जाते हैं, तफरीही प्रोग्राम भी नशर किए जाते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की न्यूज़ भी हमें सुनाई जाती हैं. ठीक है, अब है इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसानात. रेडियो इज़ नॉट वेरी यूजफुल इन माउंटेनियस एरियाज एज सिग्नल्स आर ऑफन ब्लॉक्ड बाय माउंटेन्स. रेडियो जो है पहाड़ी इलाकों में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स जो है वो पहाड़ों की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं. सिग्नल्स के रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स होती हैं पहाड़ों की शक्ल में, इसलिए वहाँ पे सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते सही से, और रेडियो वहाँ पे काम नहीं करता. रेडियो सिग्नल्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस. मौसमी हालात की वजह से भी रेडियो के सिग्नल जो हैं मुतासिर हो जाते हैं. दीज थिंग्स मेक रेडियो लेस यूजफुल दैन अदर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये सिग्नल्स का ठीक तरह से ना पहुंचना ये रेडियो की वैल्यू को कम कर देता है बनिस्बत दूसरे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने रेडियो के फ़ायदे और नुकसान पढ़े. आपका होम टास्क इसकी रीडिंग है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, और स्कूल सबमिट करवाना. स्टूडेंट, जजाकल्ला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.